वो तो थानू सारिया के कड़े लवाते इन्होंने है सारिया के कड़े मैडम कड़े पाओ जी मैडम कड़े पाओ आप बेटा क्या उधर अगे उधर शाबाश नहीं नहीं अपना अपना कर नहीं तुम कड़ा कोई कड़े पाओ आप कोई पाओ बात नहीं कर पाओ नहीं कड़े पाओ पाओ कड़े पाओ स्कूल च कड़े पाने प्रिंसीपल ने लगाता 500 का जुर्माना। मौके ते स्कूल च होया जम के हंगामा। फिर प्रिंसीपल तो ही बच्चों के हाथ च पुआए कड़े। एक निजी स्कूल दे विच बच्चों नूं कड़े पाउन तो रोकिया गया जिसनूं लैके विवाद हो जाता है ते स्कूल दे विच हंगामा भी हुंदा है। तां स्कूल दे इस एक्शन दा विरोध मापियां दे वल्लों कीता गया जिस तों बाद गल इत्थे तक पहुंच गई कि कड़े पाउन तो रोकण वाली प्रिंसीपल नूं अस्तीफा देना पैंदा है ते बच्चों दे हत्थ दे विच खुद उसनूं कड़े पाउणे पैंदे ने। दस दीए कि पूरा मामला जलंधर तो सामने आया है जिथे इस स्कूल दी प्रिंसीपल ने स्कूली बच्चों नूं कड़े पाउण तो रोक लगा दी ते मापियां तक भी इस संदेश नूं पहुंचाया जांदा है ते इस ते बच्चों ने यह भी कहा कि कड़ा पाउण ते उन्हां ते 500 रुपए का जुर्माना लगाया जांदा सी। जिस तो बाद जिवें यह जानकारी सिख तालमेल कमेटी दे कोल पहुंचदी है तां ओह स्कूल दे विच पहुंच करदे ने जिथे इन्हां दे वल्लों स्कूल दी इस कार्रवाई दा जम के विरोध किया जांदा है जिस करके स्कूल दे विच काफी हंगामा भी हो जाता है जिसते हुण प्रिंसीपल ने अपनी गलती मन लई है ते सारी सिख संगत तो मुआफी मंगी है जिस तो बाद उन्होंने अपने पद तो अस्तीफा भी दे दिता है ते मैनेजमेंट नूं सौंप दिता है। जिस तो बाद मौके ते प्रिंसीपल दे हत्थों ही इन्हां बच्चों दे हत्थां दे विच कड़े पुआए जांदे ने। आई एम डॉक्टर रवि सुधा, प्रिंसिपल CGS पब्लिक स्कूल जलंधर। कल साढ़े को एक मैसेज भेजा गया सी बच्चों को कि वो बच्चे कड़े ना बन उहदे लई मैं फिर मैनेजमेंट ने मैनूं समझाया कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए फिर असीं कल एक अपॉलजी का मैसेज भी पेरेंट्स को भेजिया सी और मैं इस चीज़ करके सारिया तो हाथ जोड़ के माफ़ी मंगती है, अपने वालों भी माफ़ी मंगती है कि अगे तो ये चीज़ नहीं होएगी एंड आई जस्ट इंश्योर कि अगे तो इन फ्यूचर कभी भी मेरे वालों कोई इदां दी चीज़ नहीं होएगी। और मैं सारी सिख कम्यूनिटी तो हाथ जोड़ के माफ़ी मंगती है कि ये चीज़ इन फ्यूचर नहीं होएगी एंड आई जस्ट और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे मन में सारे रिलीजन का पूरा रिस्पैक्ट है और हमेशा रिस्पैक्ट रहेगा और जो फ्यूचर में कुछ ऐसी गलती है ब्लंडर करूँगी तो जो भी ये मैंने कानूनी कार्रवाई की जाएगी वो भी मैं एक्सेप्टेबल है और हाथ जोड़ के सारे सिख कम्यूनिटी का फुल सॉरी। मैनेजमेंट ने तुहानू की पेनल्टी लाई? मैनेजमेंट ने मैंने रिजाइन देने नहीं किया और मैं रेजिग्नेशन दे दी। इमीडिएट इफेक्ट दे रहे हो? इमीडिएट इफेक्ट हां जी सर। इमीडिएट इफेक्ट से रिजाइन कर? हां जी सर। ठीक है।